अयोध्या मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादास्पद बयान देने वाले हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इंदौर के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका प्रेषित की है, जिसमें ओवैसी द्वारा की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए टिप्पणी को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताते हुए ओवैसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवादित जमीन को रामलला जन्मस्थान मानने के साथ कोर्ट ने मुस्लिम समाज को अयोध्या में वैकल्पिक स्थान के बतौर 5 एकड़ जमीन दिए जाने का निर्णय सुनाया था, जिस पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि मुस्लिम समाज इतना गिरा हुआ नहीं है कि खैरात में 5 एकड़ जमीन लेगा। पत्र याचिका भेजने वाले एडवोकेट सुनील वर्मा ने इंदौर की जिला अदालत में भी परिवाद दायर किया है, जिसमें सांप्रदायिक द्वेष फैलाने की धाराओं में मामला दर्ज करने की गुहार लगाई गई है। परिवादी का कहना है कि ओवैसी के भड़काऊ भाषण से देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था और देश में एकता व अखंडता बरकरार रखने की कोशिश करने वाले सरकारी तंत्र की मुश्किलें बढ़ सकती थी। भड़काऊ भाषण देने और देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ओवैसी के खिलाफ धारा 153A, 295A, 298A भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग न्यायालय से की गई है। जिला न्यायालय ने इस मामले में 20 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के आदेश स्थानीय पुलिस को दिए। नवंबर 2019 को आज हमारा जो देश जिस स्थिति में था, वहाँ पर सभी राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सभी वर्गों के लोगों ने एक रेस्ट्रेंट मेंटेन करने की तैयारी की थी और हर वर्ग ने यह अपनी तरफ से संदेश दिया था उसके प्रयासों के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो हम शिरोधार्य करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। ऐसे में जबकि हमारा यूनियन ऑफ इंडिया और हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी लोग इस तरह से प्रयास कर रहे थे कि किसी भी सूरत में हमारी जो सांप्रदायिक एकता और सॉलिडिटी शो होना चाहिए। इस दौरान मिस्टर ओवैसी जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं और साथ में वो एक लॉयर भी हैं, वो बैरिस्टर लिखते हैं अपने आप को, ये उनका सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते दायित्व था कि वो अपने शब्दों के माध्यम से, स्टेटमेंट्स के माध्यम से कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि कोई पर्टिकुलर समुदाय प्रोवोक हो। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर थी, उससे विपरीत जाके उनके द्वारा मीडिया के विभिन्न चैनल्स पे 9 नवंबर 2019 को जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो स्टेटमेंट प्रोवोकेटिव हैं। उसको मैंने आधार बनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है, लेटर पिटीशन भेज कर, कि इनके खिलाफ कंटेंट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, अगर आप उसको चुनौती देते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको इनफेलिएबल बताया कि भाई ये सटीक नहीं है इसके डिसीजन, तो ये कहीं ना कहीं जनमानस में एक संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज किया आपने और पर्टिकुलरली एक समुदाय को ऐसा लगा कि भाई उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो वो इससे प्रोवोक हो सकते थे। अब यहाँ तक तो ठीक है कि आप कहें कि भाई ठीक है, हम अगर डिसीजन हुआ है तो हम डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, वो मैं मानता हूँ कि आपको अधिकार है, लेकिन उससे आगे बढ़ के अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रोवोक करें और ये कहें कि साहब बाबरी मस्जिद जिन्होंने ढाई और शहादत किया है और ऐसे लोगों को ही मंदिर निर्माण का जिम्मा सौंप दिया, साथ में आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 एकड़ ज़मीन देने का कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया दोनों कम्युनिटी में ताकि हारमोनी मेंटेन रहे, इसको उन्होंने कहा है कि खैरात नहीं चाहिए, तो ये जो शब्द कहे हैं वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी मैं मानता हूँ और साथ में इस तरह के शब्दों से कहीं ना कहीं जनमानस में गलत संदेश गया है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसा आभास हुआ कि भाई उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और ये प्रोवोकेटिव वर्ड्स थे जो सेक्शन 295A, सेक्शन 153A और सेक्शन 298 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसके लिए मैंने CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत करी है, पुलिस को भी शिकायत करी है और साथ में कंप्लेंट भी आज कोर्ट में दायर की है, जिसमें 22 नवंबर 2019 को कोर्ट ने पुलिस थाना जूनियन दौर को अपने प्रतिवेदन पेश करने के लिए आदेश किया। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मैं सुनील वर्मा, सोनी एडवोकेट।